दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल एंगल पॉइंट में। दोस्तों तो आज का हमारा नया एपिसोड है एपिसोड नंबर 6। दोस्तों हम कह रहे हैं पोकेमॉन फायर एंड मल्टीवर्स। तो पिछले ही एपिसोड में फाइनली अपना सेकंड बैच जीत लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एसएस शिप की तरफ जहां पे हमें सामजू मिलता है। उससे फाइट करने के बाद हम मिलते हैं शिप के कैप्टन से, उन्हें सी सिकनेस हो जाती है। उनकी हेल्प करने के बाद वो फाइनली हमें कट अटैक दे देते हैं। अब हम जाने वाले हैं अपने थर्ड बैच के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों से विषय मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है। दोस्तों ये है हीट्रेन। तो सबसे पहले आंसर दिया है तनवीर सिंह ने, उसके बाद दिया पोकी प्रो ने, फिर दिया तुषार भाई ने, फिर दिया लक्ष्य ने, उसके बाद दिया हाटेके ने। दोस्तों तो यही वो डी पोकेमोन हार्ड फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डी पोकेमोन हार्ड फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे। तो क्वेश्चन कुछ देर के स्क्रीन पे आने वाला है। दोस्तों ये हमारी साल की पहली वीडियो होने वाली है, तो यार सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारा जो ये साल हो सबसे अच्छा निकले। हाँ हम सबका अच्छा निकले, और साथ में भाई इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 5K कर लें अपने इस साल के एंड तक, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछली बार का टारगेट भी हमारा पूरा नहीं हुआ था 10K, पर कोई बात नहीं, इस बार 5K करने की कोशिश करते हैं। और हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे यार कि मैंने मतलब YouTube वगैरह छोड़ दिया, क्योंकि मैं इतने टाइम से ऑनलाइन नहीं था, मतलब था भी नहीं मैं। तो भाई ये प्रॉब्लम थी कि मेरे ना जरा मैं जरा जॉब वगैरह में बिज़ी था, और साथ में मेरी स्टडीज़ वगैरह साथ में चल रही थी। मेरी बीए ख़त्म होने वाली है, उसका सिर्फ लास्ट के 6 months पड़े हैं, पर जिस जॉब में मैं अभी हूँ ना, तो भाई उसका टाइम वगैरह भी थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा है। क्योंकि देखो यार मैं 9 बजे सुबह जाता हूँ और रात को मुझे 8 बजे छुट्टी होती है, और घर आते हुए मुझे 9 बज जाते होते हैं। तो उसमें मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, कि मेरा मेनली जो काम होता है सारा वो आउटडोर ही होता है भाई। मैं बाहर ही काम करता हूँ, मतलब मेरा कोई ऑफिस के अंदर मेनली काम नहीं, मेरा सारा भाई घूमने का ही काम है। तो उसमें मैं थक जाता हूँ और मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो ज़्यादा मैं कुछ ना संडे को वीडियो बनाया करूँगा, और जिस टाइम मुझे ब्रेक लेने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा। अभी मेरा कोई प्लान नहीं यूट्यूब छोड़ने का, मतलब बहुत लोगों के मन में था ना तो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, मैं इतनी देर से नहीं आया था। तो भाई मैं अगर छोड़ूंगा तो मैं परमानेंटली छोड़ूंगा, और मैं बता के छोड़ूंगा भाई कि मतलब मैं एंड करने वाला हूँ। पर हाँ अभी मैं सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि भाई अभी बहुत टाइम है इस चीज़ पे, ठीक है ना। अभी हम कोशिश करेंगे कि हाँ यार अगर मैं एक बढ़िया लेवल पे खड़ा हो जाऊँगा ना, तो शायद मैं सोच सकता हूँ ना क्विट करने के बारे में। अगर मतलब नहीं हो पा रहा हूँ तो फिर इन दी एंड यार वर्क करना तो ज़रूरी है, तभी तो भाई खाना पीना चलेगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी के लिए यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज़ किया, पर अभी तक यूट्यूब से 0 अर्निंग थी, और घर में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी मनी की, तो फिर मुझे जॉब करनी पड़ी थी। तो हाँ अभी मैं थोड़ा जॉब में इंगेज हूँ, तो टाइम कम लगता है वीडियो अपलोड करने का, इसलिए मैंने बोला थोड़ा मैनेज कर लो। मतलब मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर पाऊंगा हफ्ते में, मेरी कोशिश होगी कि मैं 4 वीडियो तो अपलोड करूं ही करूं, पर हाँ 3-4 इतने ही होंगे, या कभी कभी किसी हफ्ते में नहीं भी होगी अगर मेरे पास टाइम नहीं लगेगा तो। बाकी हाँ कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँ, पर यार इन दी एंड मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे पास भी कुछ लिमिट्स होती हैं भाई, मैं भी थक जाता हूँ इतना करने के बाद भाई। तो हाँ समझा करो इस बात पे भी, इसलिए तुम लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने छोड़ दिया यूट्यूब, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, अब छोड़ूंगा बताकर ही छोड़ूंगा भाई। और अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया छोड़ने के बारे में, मैं सोच रहा हूँ शायद आज नहीं तो कल हम एक बढ़िया लेवल पे पहुंच जाएंगे अगर हम ऐसी वीडियोस वगैरह अपलोड करें। मेरे हिसाब से अगले मतलब जो भी चल रहा है हमारा ईयर 2024, इसमें भी मेरे हिसाब से वीडियोस अभी मैं GB वाली नॉर्मल खेलूँगा। बाकी मैं 2025 तक प्लान कर रहा हूँ, अगर मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर का कोई हिसाब किताब बनता है तो मैं वो लूँगा, हम थोड़े डिफरेंस गेम खेलेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए तुम लोग अभी GB से गेम्स भी हम बड़े फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक बैच हमें मिल चुका, मुझे लगन था हमने इतनी देर बात कर ली और भाई हमें बैच मिल भी गया। अब यहाँ से हमें जाना होगा मेरे हिसाब से फ्लैश लेने। हाँ और बाद में भाई बात ये आई थी कि मैंने जहाँ पे हमें फ्लैश किया डिग्लेट केव था ना, वहाँ पे मैंने नॉर्मली सारी फाइट्स की हुई हैं, मैंने वहीं से लेवल गेन किया था, और मैंने फाइट्स वगैरह की है तो मैं कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ एक दो बंदा होगा भाई जिससे मैंने फ़ाइट ना की हो या जिससे मैं मिस कर चुका हूँ, बाकी मैंने यही चीज़ कोशिश की थी कि जितने लोगों से मैं बैटल करूँ और अपना लेवल वगैरह गेन कर पाऊँ। पहले मैं HP वगैरह फुल करता हूँ, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गैस मेरी HP वगैरह फुल हो चुकी है, यहाँ से हम लोग पहले डिग्लेट केव की तरफ चलते हैं, क्योंकि यार हमें पहले डिग्लेट केव से लेके आना पड़ेगा हमारा फ्लैश, और उसके बाद मतलब वहीं पे जहाँ पे ब्रॉक किया जिम होता हमें फ्लैश मिलेगा, उसके बाद हम कट अटैक लेके अपना आराम से मिस्टी की जिम जाएंगे, पहले बाइसाइकिल लेंगे, उसके बाद सीधा रॉक टर्न की तरफ, फिर हम सीधा लेवेंडर टाउन निकलेंगे भाई। देखो मैंने सबको डिफीट कर दिया, कोई बंदा हमसे फाइट नहीं करने वाला है, और यहाँ पे पोकी बोलेस को क्लेम कर लेते हैं, इसमें क्या है, चलो रख लेते हैं एक्स डिफेंस, उसके ऊपर देखते हैं क्या कोई काम का आइटम है कि नहीं है। नहीं यार यहाँ पे मैंने शायद एक वो था मेरे हिसाब से, मैंने रखा था, याद आया मुझे ग्रेट बॉल थी और मैं पहले क्लेम कर चुका हूँ,
हाँ मैंने इनको भी हरा दिया था, शायद एक दो बंदे हों जो बच गए, उनसे मैंने बैटल नहीं की हो। हाँ इनको भी हरा दिया था, कोई बंदा है जिसे बैटल नहीं की थी, हाँ इनसे नहीं की थी, इनको मैं डिफ़ीट कर देता हूँ। चलो यार मैंने इनको भी डिफ़ीट कर दिया। और यहाँ पे जो डिग्लेट के वो यहाँ पे एंटर करते हैं और चलते हैं ब्रॉक की जिम की तरफ। मेरे हिसाब से ब्रॉक की जिम की तरफ हम जब जाएंगे तो वो हमें ऐसे दे देता है ना अपना फ्लैश अटैक कि वो पोकेमोन ने पोकेडेक्स चेक करता है टोटल कितने पोकेमोन हैं। ऐसे तो नहीं कि वो बोलेगा 30 पोकेमोन तुम्हारे पोकेडेक्स में होने चाहिए पकड़े हुए तभी तुम्हें फ्लैश मिलेगा। नहीं मतलब फायरड में ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन होती थी कि वो बोलते थे पोकेडेक्स में इतने पर्टिकुलर पोकेमोन होंगे तुम्हें कुछ आइटम देते होते हैं। तो शायद फ्लैश में ऐसा कोई सीन ना बन जाए भाई, मुझे वो डर है। ऐसा कोई सीन था मेरे हिसाब से तो नहीं था, बाकी जाकर पता लगेगा भाई। अगर ऐसा कोई सीन बना तो यहाँ पे डिग्लेट पकड़ लेंगे और मेरे साथ विडेडन फॉरेस्ट में जाके एक केटीपी पकड़ लेंगे और एक वीडल पकड़ लेंगे। हाँ एक मेटापॉड पकड़ लेंगे, एक ककूना पकड़ लेंगे, उनसे हमारा कुछ लेवल वगैरह गेन हो जाएंगे तो आराम से वो बीटरिल और उसमें विकसित होगा बटरफ्री में। इनसे बात करते हैं, नहीं ये वाला बंदा नहीं, नीचे कट अटैक को यूज़ करते हैं। चलो फिर हम लोग नीचे की तरफ होगा वो फ्लैश देने वाला बंदा, उससे हम बात करेंगे और देखते हैं वो क्या बोलता है। चलो यहाँ से हमने जंप किया। चलो नीचे आ गए हम लोग। ओ साइंटिस्ट, हम आपसे पहले मिले थे ना प्रोफेसर ओकी लैब में। ओके यहाँ पे ये पोकेडेक्स चेक करने वाला है हमारा। HM5 के लिए हमारे पास देखा 10 पोकेमोन होना चाहिए थे, मेरे पास कितने 7 पोकेमोन है, 3 पोकेमोन की कमी है। ठीक है चलो पकड़ लेते हैं, जाके पकड़ने ही पड़ेंगे। तो गाइस मैंने फाइनली 11 पोकेमोन टोटल अपने हो गए थे क्योंकि मैंने एक बटरफ्री बना ली थी, उससे मेरा काम बन गया था और मैंने एक डिग्लेट पकड़ लिया हुआ है तो उससे भी मेरा काम बन गया था। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है फ्लैश अटैक, अब इसको लेके हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपना वमिलियन सिटी और उसके बाद हम लोग सीधा जाते हैं अपना बाइसाइकिल लेने क्योंकि टिकट हमारे पास पड़ी है और सीधा रॉक टाउन की तरफ। नेक्स्ट सिटी होगी लेवेंडर टाउन, सब ऐसे ही सेम है, पता है हमें क्या करना है। हाँ उसके ओ यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमोन है भाई, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था यार, सर्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके तो मतलब अगर हमें ये पोकेमोन अगर पोकेमोन लीग से पहले मिल जाए, सर्व कहाँ पे मिलता है, कहाँ याद नहीं आ रहा, सैफ्रॉन सिटी नहीं, सैफ्रॉन सफारी जोन में मिलता होता है सर्फ ना, 7th बैच शायद ये हमारे काम आ जाए। इसको पकड़ लेंगे तब हम लोग पकड़ के, पकड़ में बहुत टाइम लगता है लेजेंडरी पोकेमोन को, जितना ये लोग काम नहीं आते ना मतलब फाइट्स में, उससे मुश्किल तो पकड़ना होता है इन लोगों को। क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, अब यहाँ से पहले एग्जिट करते हैं, बस हो जाए एग्जिट हमारा, मेरे रिपेल वगैरह ना ख़त्म हो, कोई भरोसा भी नहीं रिपेल्स का। चलो दोबारा रिपेल यूज़ करते हैं। चलो यार फाइनली यहाँ से हम बाहर तो आ ही गए, ये रूट नंबर 11 है। इसके ऊपर जो बंदे थे मैंने उनको भी डिफीट कर दिया हुआ है, वो यार जो घास के नीचे की साइड बंदे होते हैं ना, वो मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थे यार, मैं नीचे देखे थे। रुको जरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नीचे की साइड दो ग्रीन वाले बंदे होते हैं ना, हाँ इन सबको मैंने डिफीट कर दिया हुआ नीचे की साइड। यहाँ से भी थोड़ा लेवल गेन किया था हम लोगों ने। चलो यार यहाँ से पहले अंडरग्राउंड हम पाथ से चलते हैं, सबसे पहले मेन चीज़ बाइसाइकिल लेनी, उसके बाद सीधा हम जाएंगे रॉक टनल की तरफ, फिर सीधा लेवेंडर टाउन, वहाँ से हम बस वीडियो को एंड कर देंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आइडिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ से पहले एग्जिट कर लेते हैं हम लोग। चलो यार यहाँ से बाहर तो आ गए, ये है रूट नंबर 5, उसके ऊपर कट करना होगा हम लोगों को। कहाँ गया हमारा कट करने के लिए, 2 मिनट यार, ये रहा कट, यहाँ पे कट करते हैं और चलते हैं सीधा अपना बाइसाइकिल शॉप के अंदर। यार यहाँ पे ना एम्बो वर्जन की तरह वो नहीं होता भाई, जैसे आर्को बाइक या मैच बाइक, मुझे ना ज़्यादातर आर्को पसंद है क्योंकि भाई उसका जो हम टायर उठाते हैं ना ऊपर मज़ा आ जाता है उसको देख के यार। बनी होप करो, यहाँ से यहाँ ये देखते हैं। चलो इससे हम पहले वाउचर दिखाते हैं और सीधा हमें मिल जाएगा बाइसाइकिल। चलो बाइसाइकिल मिल गई, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, कम बैक लेटर सम टाइम, पर कब भाई हमारे पास एक ही था वाउचर था, वो तुमने हमें बाइक दे दी है, उसके बाद हम करेंगे भी क्या, पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं बाइक को अपने। चलो ये रहा बाइक, यहाँ पे सेलेक्ट बटन क्लिक करो और बाइक हमारे पास आ जाएगी। चलो यार बाइक तैयार है हमारी, अरे यार रिपल यूज़ कर लो क्योंकि आगे लोड पड़ सकती है इस चीज़ की। इसके ऊपर भाई मे बी यहाँ से एग्जिट करना चाहिए हम लोगों को, ये रहा। चलो यार इसके बाद वो बंदा फाइट वगैरह तो नहीं करेगा हमसे, शायद वो फाइट कर भी सकता है क्योंकि वहाँ पे खड़ा था और बोल रहा था कि जब तक बैच नहीं होगा तो वो जाने नहीं देगा। वो बंदा चला गया यहाँ से, पोकेबॉल क्लेम कर लेते हैं, सामने तो पोकेबॉल है भाई, वाह ये बंदा यहाँ पे, इसका मतलब फ़ाइट का सीन है। चलो आ जा भाई, ये क्या हो रहा है। अच्छा वो टीम मैग्मा का वो लीडर है ना, उसको म्यू मिल गया, अरे यार हम दोनों मिलके ना उससे म्यू छीन लेते हैं, ठीक है ये प्लान ज़्यादा काम करेगा, समझ गया ना।
एक मिनट, उसके उसको भी पॉकेट मिल गया, हाँ मान लेता हूँ, पर इसमें मेरी गलती क्या है? क्या भाई मेरी गलती क्या इसमें बता जा रहा? यू मस्ट पे फॉर दिस, मतलब यार जब हमें हेल्प करनी चाहिए इसमें सब मिलकर, हम लोग डबल बैटल करते हैं वहाँ पर जाके, वहाँ पर ये मुझसे बैटल कर रहा है। लगता है इसका दिमाग घुटनों में है, इसी वजह से यहाँ पे बैठा हुआ है ये। भाई मतलब तुझे मेरे साथ मिलकर हम जाएंगे दोनों उसको डिफीट करेंगे, तुझे म्यू रखना है रख ले भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यू से, तुम रख लो ठीक है ना, जो तुमने करना है करो, पर यार मेरी हेल्प करना, तुम उसे फाइट कर रहा है यहाँ पे। ओके चार्मिलियन इसको डिफीट करना पड़ेगा, इसका पहला गोबाइल जा चुका है, देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन में भी वो लैरियन होने वाला की है, अराउंड का विकसित रूप है ना लैरियन, हाँ आ गया। तो इस पे भी स्टील टाइप में है, फायर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव, इसका शायद बेलोसम है मेरे हिसाब से, नहीं वो कोई तो पोकेमॉन था यार मैं नाम भूल जाता हूँ उसका यार, वो भी लास्ट में ग्रास टाइप में ही आता है, हाँ वो भी है, इसको भी वन शॉट कर देंगे हम लोग, वो भी यूज़ करा था ये। और इसका थर्ड पोकेमॉन कौन सा है? और ये भी ऐसे ही जाएगा भाई, मतलब क्या है चार्मिलियन इसको सबको हैंडल कर लेगा यहाँ पे। तो मेरे सब चार्मिलियन इस वीडियो की एंड तक शायद या बीच में चार्लीजार्ड बन जाए, शायद 3 लेवल गेन हो जाए हमारा, नहीं मे बी ना भी होए, चलो देखते हैं, क्योंकि रॉक टनल भी पार करना शायद हो भी जाए लेवल। ब्लेजिकन 24 का हो गया, बढ़िया हो गया यहाँ पे। ये रहा अपना, ये आ गया बेल्डम था, मुझे कोई और पोकेमॉन लगा, चलो बेल्डम इसको डिफीट कर देते हैं हम लोग, चलो ये भी वन शॉट हो जाएगा, बढ़िया हो गया। चलो मुझे लगा इसमें कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन और भी था, यह मेरा वहम था वो। तो यार इसको हमने डिफीट तो किया है यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें कोई प्लान बनाना चाहिए ताकि हम यू को चुरा सके। भाई ये तो फाइट से पहले सोचना चाहिए था इसको, चलो हम जाकर देखते हैं क्या सीन है। अब ये जामाजू को क्या चाहिए यहाँ पे भाई? ओके जामाजू यहाँ पे आ चुका हुआ है, वो कहता है एक मिनट भाई हम कहाँ पे म्यू को चुरा रहे हैं, हम क्यों चोर बढ़ रहे हैं बार बार भाई, हमारी गलती क्या है? ये यार अब ये मुझसे फाइट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को यार, मैं कुछ कह रहा हूँ इन लोगों को, ये लोग रैंडमली आए यहाँ पे, इन लोगों को मिल के मेरे से मदद करके म्यू को बचाना चाहिए, वहाँ पे ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं म्यू चोरी करने आया हूँ, कमाल के बंदे यार सच में, तभी तुम लोग पोकेमॉन लीग जीत नहीं पाओगे भाई, मैं खुद ही जीत जाऊँगा। चलो उसका पिजियोटो गया, देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला है, कौन सा पोकेमॉन होगा इसका नेक्स्ट? ओके कडाबरा, मतलब इसका स्कोटल क्या वाटर वाटल बन गया होगा, हाँ मे बी वाटर वाटल ही होगा, कितना यार ब्लास्टोइस होगा इसके बाद, ब्लास्टोइस ना हो भाई थोड़ा ज़्यादा बुरा हो जाएगा मेरे साथ यार, साहब कोई वाटर टाइप पोकेमॉन दो हम लोगों को यार, मुझे वाटर टाइप पोकेमॉन भी चाहिए। अब कौन सा पोकेमॉन आने वाला है इसका? एग्जुटिटोर, ओके इसके पास था ग्रास टाइप में एग्जुटिटोर, इसको डिफीट करेंगे, ये भी वन शॉट हो जाएंगे बड़ी आराम से भाई, ये कि हमने अपना फ्लेम बस्ट खत्म, क्रिट्स पड़ेंगे इस पर भी, नहीं सुपर इफेक्टिव है यार, मुझे ना ब्लेजिगन के अटैक भी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ब्लेजिगन के पास डबल किक भी है, उसको बल्क अप आ जाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्रिट्स बढ़ जाते हैं भी बल्क अप में, कि फोकस की फोकस से क्रिट्स बढ़ते हैं, फोकस में फोकस एनर्जी बोल रहा हूँ, जो उससे हम फोकस एनर्जी एक दो बार करेंगे तो क्रिट्स के रेशो बढ़ जाते होते हैं, और प्लस जो वो बल्क अप होता है उसमें सबसे डिफेंस और अटैक्स के स्टैट्स बढ़ जाते हैं, हाँ बढ़िया। ओके गैराडोस आया इसका, ये वॉटर टाइप में होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रेजर लीफ, वन शॉट हो जाएगा रेजर लीफ से, ये बढ़िया आराम से हुआ, वॉटर टाइप पोकेमॉन है भाई, ऐसा कोई पोकेमॉन होना भाई नहीं हुआ क्या, ये ड्रैगन टाइप में शो कर रहे हैं यहाँ पे, क्या पता इन लोगों का ये ड्रैगन टाइप में ना शो कर रहे हो, मैं यहाँ पे पॉइजन पाउडर करता हूँ। उसने बाइट किया यहाँ पे, बस क्रिट्स ना पड़े, अरे यार क्रिट्स पड़ गए, ओके पॉइजन है मेरा, बस यहाँ पे लीच सीड काम कर जाए तो शायद हम गेम को पलट सकें। मैं इसके खिलाफ पिजियोटो यूज़ कर लूँ, कि पिजियोटो को ट्विस्टर आता है, और ट्विस्टर ड्रैगन टाइप मूव है, तो शायद इसको डैमेज पड़ जाए अगर वॉर टाइप मूव होने के, मतलब वॉर टाइप पोकेमॉन के बावजूद भी भाई इस पर ग्रास टाइप मूव काम कर ही नहीं रहे हैं, तो शायद वो काम कर जाए ड्रैगन टाइप मूव, क्या पता भाई अब क्या सीन है इसके गैराडोस का, मुझे खुद ही नहीं पता। ओके देखते हैं, लीज सीड का असर पड़ ही रहा है उसको, पॉइजन भी पड़ ही रहा है, तो उसकी एचपी बड़ी आराम से ड्रेन होएगी, लीज सीड की 10 एचपी जाती है, मे की 20 जाती है पता नहीं, और पॉइजन की तो 10 ही जाती है। यहाँ पे हम करते हैं ट्विस्टर करते हैं यहाँ पे, क्या कितना डैमेज है ट्विस्टर का? बहुत भाई यार डैमेज है भाई, मतलब लेवल बड़ा है हमारा, फिर भी इतना बेकार डैमेज। ओ आर्म थ्रस्ट कन्फ्यूज होता भाई, हर्ड बाइट सेल्फ इस पर पॉइजन का डैमेज पड़ जाए, और हर्ड बाइट सेल्फ हो जब सारा काम खत्म हो जाए इस बंदे का, बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई हार्ड बाइट सेल्फ। नहीं यार मेरा मूव करने का टाइम है यहाँ पे, मुझे गस्ट कर लेते हैं हम लोग, चलो ख़त्म करते हैं इसको, और उसके बाद ये यहाँ से निकल जाएगा, और मुझे नहीं पता गैरियो क्या प्लान कर रहा है यहाँ पे, अब वो मेरी मदद करेगा कि वो भी भाग जाएगा उसकी तरह ही,
पर लगता है म्यू को हमें खुद ही बचाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके देखते हैं जामासू क्या बोल रहा है। जामासू सॉरी मांग रहा है भाई। और अब क्या हुआ, ये हेल्प नहीं करने वाला? नेवर, पर क्यों, मेरी गलती क्या भाई? गेट लॉस्ट देन, हाँ निकलो यहाँ से भाई। ओके वो चाहता है कि वो चैंपियन बने और हम जाके मतलब रीजन को बचाए, मतलब दुनिया को बचाने का काम हमारा है और चैंपियन बनने का काम इसका है। ओके यार प्रिपेयर टू डाई भाई, ये भी मतलब मुझसे बैटल कर रहा है। कितने बैटल कर चुके हैं अभी तक हम इन लोगों से, पहले उससे बैटल किया, उससे दो बैटल तो यहीं पर हो गई, तीसरा बैटल ये करने वाला है और पता नहीं भी कितनी ज़्यादा बैटल्स और पड़ी हैं यहाँ पर हमारी। ओके यहाँ पे हम 4 मिलियन को यूज़ करते हैं दोबारा फ्लेम बस्ट अटैक। कितना डैमेज पड़ेगा फ्लेम बस्ट का, क्या वन शॉट हो जाएंगे? हाँ वन शॉट हो गया, ये तो बेकार म्यू किसी काम का नहीं था भाई, वन शॉट हो गया। हाँ पर हम 11 लेवल पड़े भी थे, क्या कर सकते हैं म्यू। क्या लगता है क्या करने वाला है? ओके तो म्यू को लेके भाग गए हैं, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। चलो जाकर देखते हैं वो कहाँ पर लेके गए हैं म्यू को, मतलब ये तीसरी बैटल की है और यहाँ पे देखते हैं क्या सीन होने वाला है। ओके यहाँ पे आरसीएस है, म्यू की जगह आरसीएस, तो यही वो लेजेंडरी पोकेमोन थे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमोन है और साथ में अननोन भी इन लोगों के लिए, पर वो नाइस वर्क करे, थैंक यू बॉस। और लगता है वो मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं, क्या इनको क्या लगता है मार पाएंगे मुझे? नहीं यार मतलब ये लड़की मुझसे बैटल करने वाली है, अब क्या पता इसको डिफीट करने, तो भाई फोर्थ बैटल तो यहीं पर शुरू हो गई मेरी। उसके बाद अबे तेरी टर्न कितनी बार टर्न लेगा भाई, पहले तुमने म्यू यूज़ किया अब तुम दोबारा बैटल करने वाले मुझसे? ओके अबे 4 पोकेमोन है, इसके मेन पोकेमोन आ गए। ओके पहला आ चुका है यहाँ पे टोरकुल भाई, टोरकुल यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि ये बहुत टैंक अच्छा करता है भाई। ओके कट करते हैं हम लोग, बेकार डैमेज है कट का भाई। ओके इसने किया यहाँ पे फायर स्पिन, फायर टाइप पोकेमोन फायर मूव, वाओ क्या करें भाई। फ्लेम बस्ट से कितना डैमेज पड़ेगा चेक करें, फ्लेम बस्ट करके कोई चॉइस है हमारे पास? फ्लेम बस्ट ही कर लेते हैं। चलो फ्लेम बस्ट का डैमेज दिखाओ भाई कितना बढ़ता है। ये ठीक ठाक डैमेज है मेरे हिसाब से, टोरकुल मर जाएगा नेक्स्ट फ्लेम बस्ट पे। ओके इसने फायर स्पिन किया भाई, फायर स्पिन डैमेज ठीक है, बस ट्रैप हो गए हम लोग इसके, क्या कर सकते हैं अब, हर्ट हो रहा है हम लोग इसके फायर स्पिन से। चलो फाइनली इसका टोरकुल तो गया, अभी 4 पोकेमोन पड़े हैं, कि तीन पड़े हैं ना। इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रोड होगा, देख लेना इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड है, इसके बाद माइटी हाइना होगा लास्ट पोकेमोन का, मुझे कोई गैस नहीं है भाई कौन सा हो सकता है लास्ट। क्रॉम्पट, शायद क्रॉम्पट होगा लास्ट इसका, नेक्स्ट तो माइटी हाइना है भाई, माइटी हाइना ही होगा इसका नेक्स्ट, पर लास्ट शायद क्रॉम्पट होगा क्योंकि क्रॉम्पट इसकी टीम यूज़ करती है, नूमिल यूज़ करती है ना, शायद क्रॉम्पट आए। इलेक्ट्रोड को तो हम ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, मैं करता हूँ यहाँ पे फायर फैन ख़त्म, और लास्ट होगा सेकंड लास्ट इसका माइटी हाइना होने वाला है। अभी देखता दिखाता हूँ तुम लोगों को, वो 34 का आ गया 4 मिलियन, ये तो बढ़िया हो गया, 34 का 4 मिलियन हो गया हमारा। ब्लिजिंग लेवल बड़ा नहीं, बड़ा नहीं यार, माइटी हाइना आ गया। देखा लास्ट का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा भाई कौन सा हो सकता है लास्ट, क्या लगता है ये रोर करेगा किस बार, हाउल करेगा आते हुए या ग्राउल करेगा, क्या लगता है देखते हैं। हमने किया यहाँ पे फ्लेम बस्ट, कौन सा मूव करेगा भाई बता, रोर किया वो भी फेल हो गया, क्या फ़ायदा भाई। अब मैं ख़त्म कर दूंगा इसको फायर फैन से भाई, और देखते हैं इसका लास्ट पोकेमोन कौन सा भाई, इसको कोई एस्टिमेट नहीं लग रहा था। जूबैट क्रोबैट क्या लगता है कौन सा होने वाला, क्रॉम्पट, अब भाई मैंने कहा था पहले क्रॉम्पट, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा था क्रॉम्पट आएगा, मैंने पहले बोला था। अब ब्लेजिंग अपना जलवा दिखाएगा यहाँ पे, हम यूज़ करेंगे डबल किक। यार ब्लेजिंग कितना ऑसम लगता है ना, ऐसे मेगा एवोल्यूशन, क्या फ्लेम्स निकल रही हैं, इसका लेवल अच्छा खासा हो जाना। मैं सोच रहा हूँ कि 4 मिलियन को निकाल देंगे अपने टीम से और ब्लेजिंगन को अपना मेन पोकेमोन रख लेंगे फायर टाइप में। ओके डबल किक का डैमेज डिसेंट है और ठीक है, 2 हिट हैं और नेक्स्ट 2 हिट्स में ही ख़त्म हो जाएगा। फोकस एनर्जी करें ताकि क्रिट्स वगैरह बढ़ा सके ये, पर कोई फ़ायदा नहीं, उससे पहले हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो भाई क्रॉम्पट पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पे और इसी के साथ ब्लेजिगन हो जाएगा हमारा 26 का। मेरे हिसाब से या तो ये आरसीएस को पकड़ लेंगे या आरसीएस फील्ड छोड़ के भाग जाएगा, इन दोनों में से एक चीज करेगा, क्योंकि आरसीएस को पता है ये लोग वेले हैं, जब देखो कोई ना कोई उसको देखने के लिए पहुंच जाता है यहाँ पे। आई चूज यू, अब कौन सा, अच्छा एक मिनट कौन सा पोकेमोन आ रहा है अब, मैगमार। ओके अगर ये रन हो जाए ज़्यादा बेटर है भाई, शायद मेरे सबसे वाइल्ड पोकेमोन है ये, रन हो जाएगा वो भाई, पकड़ सकते थे इसको, पर क्या मतलब करना ही क्या, 3-3 फाइट है पोकेमोन। ओके लेजेंडरी पोकेमोन यहाँ से भाग चुका है, नो अगली बार फिर बच्चे बोल के निकल गया नेक्स्ट टाइम, चलो फिर। ओके प्रोफेसर ओक का यहाँ पे कॉल आया हम लोगों को, पोकेडेक्स से फ़ोन किया हुआ हो,
क्या बात है भाई, पॉकेट एक्स से कॉल कर रहे हैं हमें ये लोग। लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में बता रहे हैं, वो एमटी ओरिजिन की तरफ, ओरिजिनल्स की तरफ जा चुका हुआ, बढ़िया है। और यहाँ पे विक्ट्री रोड के पास होएगा टॉप पे जाके, भाई विक्ट्री रोड जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, कोई बात नहीं देखा जाएगा। मैं अभी पहले वहाँ तक पहुँचे तो सही, भी तीसरा बैच जीता नहीं, विक्ट्री रोड पहले पहुँचाने लग पड़े ये लोग। ओके अभी कुछ बैटल्स के सीन बनने वाले हैं, तो मैं इन लोगों को डिफीट करके मिलता हूँ भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस मैंने इन सबको डिफीट यहाँ पे कर दिया हुआ है, अब मैं यार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे हिसाब से एक दो बंदे नीचे की साइड मैंने डिफीट नहीं किए थे। हाँ अब मैं इसको डिफीट कर देता हूँ। चलो यार आगे देखते हैं भाई, अब फाइट्स के सीन कब खत्म होने वाले हैं। ओ फाइनली भाई, नहीं भाई मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ, नीचे वो खड़ा है यार, मत करो यार फाइट, मैं थक चुका हूँ। अब बात करते हैं इसे, क्या बोलना चाहता है ये। थैंक गॉड हम जिंदा है भाई, तू ही था जो मैं मरवाने की कोशिश कर रहा था सबसे पहले। हाँ भाई तू ही था भाई, क्या तू कहाँ पे बैटल थी भाई, खुसारे बंदे हमने डिफीट किए, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। अके वो बता रहे हैं कि वो रूट पे हैं वगैरह वगैरह, विक्ट्री रूट पर लेजेंडरी पोकेमोन जा चुका है, उसके टॉप पे मिलेगा, यहाँ से निकल चुका है वो देखने के लिए। हम लोग पोकेमोन सेंटर जाएंगे, मैं एचपी फुल कर लूँगा ठीक है ना। तो बस फिर यार आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमारा टारगेट 5K का इस साल के अंदर हमें 5K करने हैं। हाँ उससे ज़्यादा हो गए तो भाई और हमें क्या चाहिए यार। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो, और हाँ सबको हैप्पी न्यू ईयर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।